अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है अरोमा ऑर्गेनिक्स के सनशाइन सीरम पे, जो कि एक्नी एंड स्पॉट्स के लिए है। जब फेस पे पिंपल आते हैं तो वो अपने टाइम से आते हैं, फिर ठीक होके चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते अपना ब्राउन स्पॉट छोड़ जाते हैं। तो ये सीरम उन स्पॉट्स के लिए है। ये आपकी स्किन को क्लियर करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, और जो आए दिन एक आधा पिंपल निकल आता है या उसको पता चलता है कोई फंक्शन आ रहा है या ईद आ रही है तो मेरा निकलने का टाइम हुआ चलता है, ये उन पिंपल्स को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है जी। तो इसमें है प्योर विटामिन सी एंड सेंटेला एसियाटिका एक्सट्रैक्ट्स, जो कि एंटी एजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड स्किन सूथिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में है ऑरेंज ऑयल, जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो आपकी स्किन की रेडनेस को रिड्यूस करती हैं और इसके साथ साथ एक्ने को कंट्रोल करती हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये आपकी स्किन को विटामिन सी प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। उसके बाद जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज हिप सीड ऑयल, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ ब्राइटन अप करता है और हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। फिर आता है पम्पकिन सीड ऑयल, ये ड्राई मैच्योर एंड डैमेज स्किन के लिए है और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। फिर आता है आलमंड ऑयल, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके स्कार्स को रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ आपकी आई पफिनेस और डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करने में मदद देता है। उसके बाद आता है जी लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल एक्नी को रिड्यूस करता है, स्किन को लाइटन करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है और इस सीरम में से जो खुशबू आती है ना, वो भी लेवेंडर ऑयल की है, क्योंकि लेवेंडर ऑयल जो है मेरे पास पड़ा हुआ है और उसकी सेंट काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ इसमें 100% प्योर विटामिन सी एंड ई है। रिज़ल्ट की बात की जाए तो इसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन से नहीं मिलेगा, क्योंकि देखें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट एकदम से नहीं मिलते, आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। बहुत ही थोड़ा सा लगता है, ऑयली स्किन के लिए तो सिर्फ एक ड्रॉप ही इनफ होता है, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको दो ड्रॉप्स यूज़ करने होंगे। आप इसको डे एंड नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मैंने शुरू शुरू में डे एंड नाइट में ही यूज़ किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं सिर्फ रात में ही यूज़ करती थी और रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता मिला था, एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिला था, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी रनी है, आप देख सकते हैं। और मैंने जो फील किया वो ये था कि स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई है, तो स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और ये ब्राइटन अप भी करता है, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आया था इससे। और ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो आपके आहिस्ता आहिस्ता ही रिड्यूस करेगा, वो आपके एकदम से नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसको सिर्फ वहीं पे लगाएं जहाँ जहाँ पे आपको ना ब्राउन स्पॉट्स हैं। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से इसकी प्राइस देख सकते हैं। चलें जी अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।